दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आपका भी दोस्तों सुनहरा अवसर आ चुका है और आप बड़ी आसानी से यहाँ पर गोल्डन कार्ड बनवा पाएंगे, मतलब आयुष्मान कार्ड आपका बन पाएगा। तो जो लोग भी यूपी से बिलोंग करते हैं और उनका लेबर कार्ड बना हुआ है, उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्नी निर्माण कार कल्याण बोर्ड में इस वेबसाइट में पंजीकृत है, जिनका यहाँ पर लेबर कार्ड बना हुआ है, लोग आयुष्मान कार्ड इनका सब लोगों का बनेगा जो लोग भी इस वेबसाइट में पंजीकृत है। अब दोस्तों कैसे बनेगा ये सारा प्रोसीजर हम बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपके पास सीएससी आईडी होना चाहिए। तो जो लोग भी मैंने बताया कि लेबर कार्ड जिनका बना हुआ है उनके राशन कार्ड नंबर ऐड कर दिए गए हैं, राशन कार्ड नंबर से ही ये फॉरगेट होगा। तो पहले हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि दोस्तों ये यहाँ पर आप पेपर कटिंग देख सकते हैं, पंजीकृत श्रमिकों की गोल्डन कार्ड आज से 14 अगस्त तक बनेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्ड जो बनेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 अगस्त तक बनेगा। तो हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, यहाँ से हमें सर्च करना होगा। तो दोस्तों मैं जानकारी बता रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि आपको किसी YouTube चैनल में ना मिले, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। जिनका भी लेबर कार्ड बना हुआ है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर आप देखेंगे। ऐसे भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। दोस्तों बात ये आती है कि यहाँ पर हमें सर्च कैसे करना होगा। तो यहाँ पर सर्च करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है वो आपको फिल करना है। लेबर कार्ड का नंबर है वो फिल नहीं करना है, जो राशन कार्ड नंबर है। जैसे हम यहाँ पर एक केस में राशन कार्ड नंबर फिल करेंगे, इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाम आ चुका है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे बेनिफिशियरी पर, तो केवल आप देखेंगे कि हमने 2 टिक हटा दिए। इसके बाद फिर से आपको कंटिन्यू विथ पर क्लिक करना है और यहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति यहाँ पर आप देखेंगे कि फैमिली आईडी। तो फैमिली आईडी है मेंबर आईडी एंड फैमिली आईडी। आप ये देखेंगे कि फैमिली आईडी में क्या डला हुआ है। फैमिली आईडी में आपका डला हुआ है यहाँ पर जो लेबर कार्ड का नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपका फिल है और मेंबर आईडी में भी वही नंबर फिल है, मतलब ये लेबर कार्ड के जरिए बना है। तो देखा आपने दोस्तों, जिनका भी यहाँ पर लेबर कार्ड बना हुआ है उन सभी लोगों का यहाँ पर ई श्रम कार्ड, मतलब वो सॉरी ई श्रम कार्ड नहीं, लेबर आयुष्मान कार्ड सभी लोगों का बनेगा। ये गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छी खबर है। जो लोग भी अभी जिनका भी लेबर कार्ड बना हुआ था वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैंने आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाया, हालांकि यहाँ पर वो कस्टमर अवेलेबल नहीं है। जैसे आप आधार पर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप कुछ टर्म एंड कंडीशन आएगी, यहाँ पर यस करना है, इसके बाद फिर से आई यस करना है, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, इसके बाद यहाँ परिवार का है, किसका है, फैमिली का, रिलेटिव का है, इसके बाद यहाँ प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आएंगे यहाँ मिलेगा आपको, इसके बाद फिंगर टाइप, यहाँ हम फिंगर टाइप पे कर देंगे जो भी आपके पास मशीन है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर और कैप्चा फिल करके उनका थंब लगवा लेना, बड़ी आसानी से आप केवाईसी कर पाएंगे और आयुष्मान कार्ड भी आप बड़ी आसानी से बनवा पाएंगे। तो दोस्तों जो लोग भी जिन लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज है, उन सभी लोगों का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनेंगे। तो दोस्तों आई होप ये जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमें गोल्डन कार्ड कैसे बनाना है, इसके साथ में किन लोगों का गोल्डन कार्ड किन लोगों का गोल्डन कार्ड बन रहा है। यहाँ पर श्रमिक कार्ड का कोई विशेष रोल नहीं रखा गया है। बहुत लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबरों ने ये बताया होगा कि श्रम कार्ड के जरिए बनाया जाला, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये ओनली लेबर कार्ड के जरिए ही। जो लोग उत्तर प्रदेश से निवास करते हैं या अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लेबर कार्ड चलते हैं उसके जरिए, जैसे मेरे केस में मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो यहाँ पर लेबर कार्ड के जरिए जो भी वेबसाइट है ये वैधानिक है, तो यहाँ पर उसी लोगों की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है और उन लोगों के यहाँ पर सत्यापन उनके उन लोगों को यहाँ पर गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों की दोस्तों समस्या ये भी है कि बहुत सारे अभी नाम ऐड नहीं हुए हैं, वो भी बहुत ही जल्द होंगे। तो आई होप बड़ी आसानी से आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ ले पाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि यहाँ मिलता है अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।